फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ अली। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन किया है और अब हम घर में हम सेफ हैं। लॉकडाउन में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे हमारा एक नया लुक सामने आए, और अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की तो हम उससे बच पाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में। मैं एक ऐसा वेट लॉस प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए जो 7 डेज में 2-3 kg वेट ही नहीं लूज करेगा बल्कि आपको एक नया लुक देगा। तो हम डाइट के बारे में बात करेंगे, हम इजी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि वेट हमारा क्यों बढ़ता है। वेट बढ़ने के 2 बड़े रीज़न होते हैं, पहला हेल्थ इशू और दूसरा हमारा ख़राब डाइट और लाइफस्टाइल। हेल्थ इशू में हम देखते हैं कि अगर हमारा थायराइड डिसऑर्डर है तो हमारा वेट कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर फीमेल्स में PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। डिप्रेशन में अगर हम हैं तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। अगर जेनेटिक है ओबेसिटी तो हम जीन की वजह से अपना वेट बढ़ने से नहीं रोक पाते। मैं आपको आज बताऊंगा एक इजी डाइट जो कि आपको 7 डेज तक फॉलो करना है, और मैं आपको दावा करता हूं कि आप इन 7 डेज में अपना 2-3 kg वेट ज़रूर लूज करेंगे। और ये एक साइंटिफिक डाइट है, तो इसको बंद करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपका वेट बढ़ने लगेगा, लेकिन आपको मेंटेन करना होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं डाइट प्लान के बारे में, जो डाइट प्लान आपका 7 डेज का है। हमें करना क्या है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें ल्यूक वार्म वाटर, कुनकुना पानी लेना है, 1 ग्लास कुनकुने पानी में 1/2 नींबू लेमन डालना है। और अगर हमारे पास इसके अलावा हनी है तो हम हनी भी मिक्स कर सकते हैं, और हमारे पास अगर एलोवेरा है तो हम तीनों को मिक्स कर सकते हैं। और अगर 3 नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ हैं एलोवेरा और लेमन, उसको भी मिक्स कर सकते हैं, या हनी या लेमन उसको भी मिक्स कर सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद फौरन हमें ये बना के पीना है। उसके 20 मिनट के बाद हम ब्रेकफास्ट लेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? हमारे ब्रेकफास्ट में एक फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, लेकिन बनाना नहीं होना चाहिए। 2 व्हीट ब्रेड जिसे हम ब्राउन ब्रेड भी कहते हैं, हम लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं, और इसके अलावा हम ओट मील भी लें। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गए, हम सारी चीज़ें साथ में भी ले सकते हैं, या हम इन ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन लेके अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच की। लंच हम स्टार्ट करेंगे सैलेड के साथ, तो हमें खाना खाने से पहले सैलेड लेना है, खाना खाने के साथ नहीं, खाना खाने के पहले सैलेड लेना है। 200 ग्राम सैलेड हम ले सकते हैं। आपके सैलेड में पोटैटो नहीं होना चाहिए। अगर आप चपाती खाना चाहते हैं तो आप चोकर चपाती ले सकते हैं। चोकर चपाती क्या होता है? अगर हमारे पास काले चने का फ्लोर आटा है तो हम उसे गेहूं के आटे में मिक्स कर लें 1/2, और 2 चपाती हम बना सकते हैं उसको। इसके अलावा जो सब्ज़ी हम लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें पोटैटो नहीं होना चाहिए। और इस सब्ज़ी को अगर हम फैट कम लें इसमें, अगर हम ऑलिव ऑयल अगर हमारे पास है तो उसमें ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होता है, वो आपके लिए हेल्दी है, वो आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सफोला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें ये सब्ज़ी बना के और चोकर चपाती से खा सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना खाने के बाद, और 1/2 घंटे के बाद आपको लेना है ग्रीन टी। याद रहे ग्रीन टी में शुगर ऐड नहीं करना है आपको। ये आपका लंच हो गया। लंच के बाद अब हम पहुंचते हैं डिनर। डिनर आपको हैवी नहीं लेना है, मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिक डिनर फॉर 1 वीक। आपको 1 हफ्ते तक वही डिनर लेना है। आप स्टीम्ड वेजिटेबल लें, उबली हुई सब्ज़ी
आप उसमें टेस्ट के लिए नमक या मिर्च मिला सकते हैं, लेकिन नमक आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नमक की प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को बॉडी में रिटेन करता है, तो ज़्यादा नमक हमें यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा हम ले सकते हैं ब्राउन राइस, हम ले सकते हैं कर्ड, खट्टा दही, और अगर हम खाना चाहें बटर मिल्क तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ये हमारा डिनर कंप्लीट हो गया। अब जो हमने सुबह उठने के बाद किया था वही हमें सोने से पहले करना है, मतलब हमें 1 गिलास ल्यूक वार्म वाटर लेना है, उसमें आधा नींबू डालना है, अगर हमारे पास एलोवेरा है तो हमें एलोवेरा को कट करके उसका घोल बना के, और ये दोनों चीज़ों को आपको सोते टाइम लेना है। इनमें कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। वाटर इंटेक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप तो लेमन वाटर भी आप ले सकते हैं इसमें, आप इसमें ले सकते हैं नारियल का पानी, नारियल का पानी भी आप ले सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो ग्लिसरीन वाला सोप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करना है फेस के लिए जो हार्मफुल हो। आप गुलाब जल ले सकते हैं, रात में सोने से पहले गुलाब जल से अपने फेस को साफ कर लें। तो ये डाइट अगर आप 1 हफ्ते तक लेंगे तो डेफिनेटली यू विल लूज 2 to 3 kg वेट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो डेफिनेटली आपको फिट भी करेंगी और आपके बॉडी में जहां जहां फैट है उस फैट को कट ऑफ भी करेंगी। जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें ट्रेडमिल पे ज़्यादा जाना है, क्योंकि ट्रेडमिल हमारे बॉडी के फैट को कट करता है। तो अब अगर हमारे पास ट्रेडमिल घर पे नहीं है तो हम कैसे ट्रेडमिल का की तरह एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं? ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप घर पे कर सकते हैं, और ये आपके एब्डोमिन को, आपके हिप को और आपकी थाई पे जो भी फैट है उसको कट ऑफ करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इजी एक्सरसाइज। आपको अपने शोल्डर के पैरेलल में अपने हाथों को रखना है, दोनों पैरों को पीछे स्ट्रेट रखना है, और तो ये एक्सरसाइज आपको 3 रेपिटेशन करना है, और एक बार में आप 10 बार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है जो आपकी कोर मसल्स को फिट रखती है, आपके पोस्चर को अच्छा बना के रखती है, वो है स्क्वाट। स्क्वाट में हमें अपने चेस्ट वाले पोर्शन को आगे रखना है और हिप वाले पोर्शन को पीछे करना है, और हमें 90 डिग्री के एंगल में नीचे आना है। 1 2 हम 90 डिग्री की में आ जाए तो फिर हम रुक जाना चाहिए, मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें बहुत नीचे जाना है, हम उससे रिलैक्स हो जाएंगे। तो 1 2 इसके भी हमें 10 10 रेपिटेशन करना है और 3 सेट करना है। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है स्किपिंग। अगर आपके पास स्किपिंग रोप है तो आप उससे भी स्किपिंग कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी आप। तो ये 3 एक्सरसाइज जो है वो आपके बॉडी में जो मैक्सिमम जगह फैट एक्युमुलेट होता है वो होता है एब्डोमेन, आपका बैक, आपका हिप और आपका थाई, इस जगह के फैट को कट ऑफ करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई कुछ भी ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप आज का वेट लिखें और 7 डेज के बाद, इस डाइट के और एक्सरसाइज के बाद 7 डेज के बाद अपना वेट लिखें, तो उसमें डेफिनेटली चेंज आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।